हेलो माँ, केशवी बोल रही हूँ। हाँ केशवी, बोलो। बैड न्यूज फॉर यू, माँ पलक ने आपकी सारी धमकियों को डिक्टाफोन पर रिकॉर्ड कर दिया है। और उससे भी बड़ी बैड न्यूज है कि पलक वो टेप इंस्पेक्टर कबीर को देने जा रही है। केशवी, मुझे वो टेप किसी भी हालत में चाहिए, बाय हुक और बाय क्रूक। नहीं मां, शायद आज मैं आपकी मदद नहीं कर सकूं। अगर कर पाती तो भी नहीं करती। आज मैं भी आप पर भरोसा नहीं करना चाहती। शक हो गया मुझे आप पर। केशवी, अगर मुझ पे जरा से भी आंच आई ना, तो आई प्रॉमिस यू मैं दक्ष को कभी आजाद नहीं करूंगी। तुमने अभी मेरी दुश्मनी देखी नहीं है, अगर देखोगी ना तो डर जाओगी। हाउ डेयर यू केशवी। अगर पलक ने अपनी हरकतें जारी रखी, अपनी तहकीकात जारी रखी, तो प्रांजल और दक्ष वापस आ जाएंगे। इसके बाद मैं अपने प्लान पूरे नहीं कर पाऊंगा। हेलो माँ, बोल रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके मुझसे आके मिलो। किसका फोन है? जानू, हॉस्पिटल से फोन है, तुम्हारी रिपोर्ट्स लेकर आनी है। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे आकर शाम को मिलूं। मैं अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना चाहती हूँ। शाम किसने देखी है? कोई ऐसी बात है जिसका तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, तुम्हारी भलाई है इसमें देव। ठीक है, मैं आपको अभी कुछ देर बाद फोन करता हूँ। डॉक्टर लोग भी बड़े परेशान करते हैं। क्या हुआ? मैम सब टायर पंक्चर है। जल्दी से टायर चेंज कर दो ना प्लीज। दक्ष मेरे पास है और दक्ष के साथ साथ प्रांजल भी। जानने के बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पलक बेटा, क्या बात है? कुछ परेशान नजर आ रही है। दादी, मेरे पर्स से किसी ने डिक्टाफोन चुरा लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो चोर इस घर का ही सदस्य है। मुझे देव पर शक है।